सर जाए तो था, पैंट खोल के दिखाएं। नहीं नहीं कि एक अजूबा यहाँ पे सिंगर है। अजूबा सिंगर इसलिए बोल रहे हैं कि वो देखने में, और देखने में ही नहीं, वो हकीकत में लड़का है, लेकिन उनका आवाज जो है लड़की के तरह है। कहाँ से आते हैं? आवाज इनका लड़की के तरह है कि और भी कुछ लड़की के तरह है, चलिए जानते हैं। और इनका सॉन्ग भी हम आपको सुना के दिखाते हैं। रुको जरा, सबर करो, पूरा चेक करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन आवाज से आप हूबहू आप देख सकते हैं। तो पहले बाबू आप अपना नाम बताओ। इस चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते, और मेरा नाम ब्रजेश है। तुम्हारा आवाज से तो दर्शक पागल हो जाएगा। अरे ये बताओ, तुम्हारा सिर्फ आवाज लड़की के तरह है कि और कुछ, आपको क्या लगता है? अरे हम क्या बताएं यार, आवाज से हम कुछ अंदाजा थोड़ा लगा सकते हैं। मन में तो बहुत चीज चल रहा है। और साबुत है, पैंट खोल के दिखाएं। नहीं नहीं रहने दो, वो सब जरूरत नहीं, दर्शक देख रहा है। अपने मुंह से बता दो क्या बात है, मतलब जब दर्शक भी देखना चाहते तो हम दिखा देते हैं। नहीं, 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 देखा, पूरा देखा। दिखाना कुछ नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारा आवाज सिर्फ ऐसा निकलता है ना, कि और कुछ नहीं ना? आवाज बस, सिर्फ आवाज, यानी कि ये भगवान का देन है, ये लड़का है, हूबहू लड़का है, दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इनका आवाज सिर्फ लड़की है। अच्छा बाबू ये बताओ कि तुम सिंगिंग के अलावा और क्या क्या करता है? पढ़ाई भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। पढ़ाई भी करता है जी। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? मौलागंज। मौलागंज किस राज्य में पढ़ता है? यूपी में। यूपी में, यूपी से, यानी कि ये फेमस स्टूडियो में तुम सिंगर का काम करने आया है जी। अच्छा तो अभी तक कोई गाना वगैरह लॉन्च हुआ है तुम्हारा? जी हुआ है। हाँ हुआ है। कौन, यही अश्लील या ऑर्केस्ट्रा वाला या बढ़िया सब? अच्छा सही गाना चल रहा है क्या बिहार में या यूपी में? नहीं चल रहा है। चल रहा, सुनाओ पहले तुम कौन सा गाना गाया है। साझे लगा दे रजज के लिए तो बिनु मजा जवानी के मिली, साझे लगा दे रजज के लिए तो बिनु मजा जवानी के मिली, कहीं ना बुझेला तू परेशानी, मन में आवे न उमड़ल जवानी, हो 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 बोथे कोमरिया हमार, मर गोते गोते काचे उमरिया हमार, मर गोते गोते। लेकिन सुन के अच्छा लगा, क्या सुरीली आवाज है, और क्या ये गाती है, क्या ये गाता है ये लड़का है। आवाज से थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका जो आवाज है ये कहीं ना कहीं अगर लड़की सिंगर को भी ये फैल कर देता है। और इसका आवाज इतना मीठा है, ये जो अभी गाना आपको सुनाया, आप लोग को कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखेंगे। लेकिन सुन के अच्छा लगा, और क्या ये गाता है हम इनसे सुनते हैं, और कौन कौन सा गाना बाबू सुनता है? शादी के दिन निया रहे लगा माटी यारो कुड़ाए लगा, भले अगना में माड़ो ये यारो सर जाए, भले अगना में माड़ो ये यारो सर जाए। तब भैया का था कि मांगे में सिनूर तोरा पोर जाए, बोझे है यार तोरा मोर जाए। अच्छा ये बताओ, ये तुम प्रैक्टिस किया है लड़की की तरह बोलने का, या फिर ये जन्म से ही है? बचपन से नेचुरल आवाज ही है। अच्छा ये नेचुरल आवाज है तुम्हारी बचपन से? अरे ये आवाज के चलते क्या तुम्हें समाज में कोई भी ताना वगैरह देता है, या फिर मजाक वगैरह उड़ाता है? मतलब ताना तो मिलता था, मजाक भी बनाते, लेकिन अब यानी कि जब तुम सिंगर बन गया और तुम सक्सेस हो गया, समाज के अंदर तुम्हारा इज्जत बढ़ गया जी जी, अभी तुम्हें क्या नाम से लोग पुकारते हैं? वायरल बॉय ब्रजेश। वायरल बॉय ब्रजेश जी। और पहले क्या पुकारते थे लोग? पहले तो बहुत भला बुरा कहते थे, लेकिन अब हम क्या कहें, उस शब्द को बोलने में मुझे शर्म लगता है। अच्छा यानी कि पहले अश्लील सब चीज बोलता होगा, ब्रजेश कोई भी नाम नहीं लेता होगा, लेकिन अब वही इज्जत से बुलाता है, वायरल बॉय करके बुलाता है जी। ब्रजेश बाबू, ब्रजेश बस यही सब। अच्छा ये यहाँ पे ऑफर तुमको मिला था, या फिर तुम अब खुद से यहाँ पे आया हो? मुझे ऑफर भी मिला और हम खुद से भी यहाँ पे आए हैं। अच्छा और कहाँ कहाँ से ऑफर मिल रहा है गाने के लिए?
मुझे यहाँ अच्छा लगा, मुझे ऑफर मिला, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ गाना गाने। ये बताओ ब्रजेश, ये जो सिंगर तुम कर रहा है, तुम्हारा क्या तुम अश्लील की तरफ तो ध्यान तुम्हारा नहीं जाता है? अश्लील की तरफ ध्यान तो नहीं जाता, लेकिन अब जाता है, क्योंकि आजकल जितने भी सिंगर बज रहे हैं केवल अश्लील के माध्यम से ही बज रहे हैं। यानी कि अश्लील की तरफ जाता है ध्यान? जी। गाएगा नहीं ना? देखो बाबू, अश्लील से हमें सख्त नफरत है और हम थपड़िया भी देते हैं अश्लील गाने वाले। कितने लोगों को थपड़िया है आप? दो कौड़ी के गायक के पास हम नहीं जाते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ नेचुरल आवाज है, भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, इसलिए तुम्हारे पास आए। और अपने वर्चस्व को बनाए रखना, और हम जनता से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे जो वायरल हुआ है, ऐसे ऐसे नेचुरल आवाज वाले जो सिंगर है, और इनके गाने को सपोर्ट करें, इनका गाना को सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ाएं, ताकि ये आगे चल के अश्लील के तरफ नहीं जाए। अश्लील के तरफ तभी जाता है जब ऐसे ऐसे सिंगर को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। मनीष कश्यप से भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बार इस बॉय को आए और इनसे इंटरव्यू ले और इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, इनको सपोर्ट करें, ताकि ये कल दिन आपको मौगा या भतार या फिर साला बनाने का कोशिश नहीं करें। अभी मनीष कश्यप को लोग सलाह भी बना रहे हैं, जिसके कारण मनीष कश्यप अब बिहार छोड़ के भागने वाले हैं। तो क्या कभी भी मनीष कश्यप के ऊपर तो गाना नहीं गाएगा? नहीं नहीं ना, हमेशा वही गाना गाएगा जो लोग पसंद करेंगे और जो सब फैमिली मिल के देख सकते हैं। जी, चलिए ऐसे ऐसे बॉय को आप लोग सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।